हेलो फ्रेंड्स, क्यूकार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन दैट यू हैड। अंदर के क्यूज है व्हाट वाज इट अबाउट, व्हेन एंड विद होम डिड यू डू इट, व्हाई वाज इट इंटरेस्टिंग एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। कोई दिलचस्प कन्वर्जेशन यानी किसी के साथ की गई दिलचस्प बातचीत के बारे में आप बात कीजिए। ये बातचीत किसके बारे में थी, आपने कब और किसके साथ ये कन्वर्जेशन किया, ये दिलचस्प यानी कि इंटरेस्टिंग क्यों था और आपने ये कन्वर्जेशन के बारे में कैसा फील किया। अब देखेंगे कि जब हमें एक मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। सो व्हाट वाज इट अबाउट में मैंने लिखा है द ट्रायंफ ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी अगर कोई दुर्घटना हुई किसी के साथ तो उससे उभरने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे ट्रायंफ कहा जाता है। फिर व्हेन एंड विथ होम, सो इन द ट्रेन विथ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर के साथ ट्रेन में। व्हाई वाज इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने करेज और स्ट्रेंथ के बारे में सीखा, आई लर्न अबाउट करेज एंड स्ट्रेंथ। हाउ डिड यू फील अबाउट इट, इंस्पायर्ड, एनर्जेटिक एंड रिचार्ज्ड। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए 30 सेकंड्स में आपको जो बोलना है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, और IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के समझते हैं। Last year, I was traveling in the train with my family to visit our relatives. I remember that I had severe headache on that day. I also had pain in my leg as I had walked a lot with heavy luggage. पिछले साल मैं अपने फैमिली के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था अपने रिलेटिव्स को विजिट करने के लिए। मुझे याद है उस दिन मेरा बहुत सर दर्द कर रहा था और मेरे पाँव में दर्द भी था, क्योंकि मैंने बहुत भारी सामान उठाया था और मैं लंबा अरसा चला था। आई वॉज फीलिंग इरिटेबल एंड टायर्ड, मैं बहुत ही इरिटेटेड था, इरिटेबल फील कर रहा था और थका हुआ था। आई वॉन्टेड टू स्लीप इन द लॉन्ग जर्नी, मुझे मुसाफरी में, जर्नी में सोना था। देर वॉज अ पर्सन सिटिंग बिसाइड मी एंड टू माई सरप्राइज ही हैड अ प्लास्टर ऑन हिज लेग। दिस वॉज द पर्सन विथ whom आई हैड एन इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन, हिज नेम वॉज डॉक्टर ABC। सो मेरे बाजू में एक इंसान बैठा हुआ था और जब मैंने देखा तो मैं बहुत हैरान रह गया कि उनके एक पैर में प्लास्टर था, यानी उनका एक पैर फ्रैक्चर था। और यही वो इंसान है जिसके साथ मेरा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुआ। उनका नाम डॉक्टर ABC था। आप जो नाम चाहे आपके लिए आसान हो वो नाम डॉक्टर के बाद लगा सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पहले दो क्यूज आंसर किए हैं कि हमने डॉक्टर के साथ बात की, डॉक्टर का नाम बताया, और हमने ये ट्रेन में हुआ था ये कन्वर्सेशन, और पिछले साल हुआ था ये भी हमने बताया। Exchange of dialogues with him throughout my journey was not only interesting but also inspiring. उनके साथ मैंने जो भी dialogues exchange किए, जो भी बातचीत की मेरी पूरी जर्नी में, वो सिर्फ दिलचस्प ही नहीं लेकिन बहुत ही inspiring, यानी बहुत ही प्रभावित करे, बहुत ही प्रेरित करे, ऐसी बातें भी थी। The talk was about his triumph over a major accident that he suffered. How he injured his leg while he was trekking on a mountain. How he managed to reach the hospital amidst unbearable pain and how he underwent an extremely painful surgery. So, अब हम थर्ड क्यू आंसर कर रहे हैं कि किसके बारे में ये कन्वर्जेशन था। जब उन्होंने एक मेजर एक्सीडेंट सफ़र किया तो उसमें से वो कैसे उभर के सक्सेसफुली वापस ठीक हो गए, उसके बारे में सारा कन्वर्जेशन था। कैसे उनको पैर में लगा जब वो एक पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रहे थे, कैसे अनबेरेबल यानी असहाय पेन के भीतर वो हॉस्पिटल तक पहुंचे और बहुत ही पेनफुल सर्जरी से भी गुजरे, इसके बारे में सारा कन्वर्जेशन था। व्हाई दिस कन्वर्जेशन वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी, सो नाउ वी आर आंसरिंग द नेक्स्ट क्यू कि ये कन्वर्जेशन हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्यों था। वेल, अ फ्यू मिनट्स अगो आई वॉज कंप्लेनिंग ऑफ पेन इन माई लेग। Within no time, in front of me was a live example of courage and strength. थोड़ी मिनट पहले मैं कंप्लेन कर रहा था मेरे पैर के दर्द की, और उसके थोड़े ही समय के बाद मेरे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल था करेज और स्ट्रेंथ का। He told me that there was a rod in his leg and he still experienced intolerable pain. Although he had a broken leg, he decided to travel for work. My pain was nothing in comparison to his agony and therefore this conversation was interesting. उन्होंने मुझे बताया कि उनके पैर में एक लोहे का रॉड है और अभी भी उनको बेहद दर्द होता है। उनका पैर टूटा हुआ था फिर भी वो काम के लिए ट्रैवल कर रहे थे।
तो मेरा पैर का जो दर्द था वो उनकी तुलना में, उनका जो पेन था, एगनी यानी पेन का एक समानार्थी है, उनका जो पेन था उसकी तुलना में मेरा पेन बहुत कम था और इसलिए ये कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग था। अब हम आंसर कर रहे हैं कि हमने कैसा फील किया। आई फेल्ट इंस्पायर्ड आफ्टर हियरिंग हिज स्टोरी, इट फिल्ड मी विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। सो उनकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत प्रेरणा मिली, मैं ऊर्जा और उत्साह से भर गया। I was determined to reach my full potential and not complain about petty problems. मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी संपूर्ण क्षमता को यूज़ करूँगा और छोटी छोटी बातों की कंप्लेन नहीं करूँगा, petty यानि छोटा। I felt recharged and happy. So मैं recharged भी फील करने लगा और बहुत खुश भी फील करने लगा। If a person who was double my age could do so much, then why can't I? मेरे से डबल एज का इंसान अगर इतना सारा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। The conversation with Dr. ABC was memorable, enriching and life-changing for me. I think Dr. ABC was a real hero I have ever met. So Dr. ABC के साथ मेरी जो conversation थी वो याद रखने वाली थी, memorable थी, उम्दी थी, enriching थी और मेरे लिए जीवन को बदल दे ऐसी थी। मुझे लगता है कि Dr. ABC ऐसे एक हीरो हैं जिसको मैं, उनके जैसे कोई इंसान को मैं जीवन में कभी भी नहीं मिला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है या फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और क्यू कार्ड के टॉपिक पे आइडियाज़ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस को थोड़े समय में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगी। ऑल द बेस्ट।